आप सभी को प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन क्रम का 214वां दिन है और आज का विषय है आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद भाग दो। और आज के यशस्वी वक्ता हैं श्रद्धेय एससी सिंह साहब जो हेल्थ सेंटर में एडिशनल जीएम है। अब मैं श्रद्धेय नैब साहब से कहूंगा कि दो शब्द एससी सिंह साहब के बारे में कहें। श्री नैब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी, आपने एक ऐसी शख्सियत के लिए बोलने के लिए बोला है जिनके विषय में सब लोग जानते ही हैं कि वो कितने प्रज्ञ हैं, मतलब कितने वो सुधी जन हैं, ना केवल व्यवहार से, ना केवल वाणी से, बल्कि अपनी नॉलेज से भी। और इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी तब तीन लोग थे जो मुझे याद है, एक आर एन पांडे साहब, एक एस एस सिंह साहब, एक शिवदान सिंह भदौरिया साहब, जिन्होंने गीता के ऊपर अपने मर्मज्ञ ज्ञान, अपनी ज्ञान चक्षु हम लोग के, मतलब हम लोग को सिखाया था गीता क्या होती है, कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे इसको समझा जाए। और यहाँ पर तो एससी सिंह साहब बोलते हैं, मैंने तो उनको मॉर्निंग में भी सुना है, जो अपनी शांति कुंज की एक क्लास होती है उसमें भी मैंने उनको एक घंटा सुना। जब वो बोलते हैं तो फिर सिर्फ वो बोलते हैं और आप एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए बोलते हैं और जिस विषय पे बोलते हैं उस पर उनका पूरा अधिकार होता है। और उस बोलने के बाद जब आप कोई भी प्रश्न पूछिए उनके पास पहले से हर सवाल का बिल्कुल उचित और सटीक जवाब होता है। आज की क्लास भी वो ले रहे हैं और मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस क्लास को उसी तरह ले जैसे हम लोग को कुछ नहीं आता, हम लोग बिल्कुल खाली हैं और हम लोग को उन्होंने अपनी वाणी से, अपने मृदु वचनों से, अपने ज्ञान से भरना है। हम सब लोग उस ज्ञान को संचित करने के लिए तैयार बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सिंह साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अब एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के साथ में उस चेतना से जुड़े जो हमको हमेशा इनलाइटमेंट करती है और सब पथ पर ले चलने के लिए प्रेरित करती है। सर एडमिन भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभवं संभवं कर्तुं इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों का आदर के साथ में नमन वंदन और अभिनंदन है। आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। आज का विषय जैसा कि हमारे वागी शर्मा साहब ने कहा, आज की युग की गीता। अभी नेब साहब ने भी चर्चा के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रारंभिक दौर में गीता के ऊपर व्याख्यान हुआ था, गीता का स्वाध्याय कैसे किया जाए। और हम सभी जानते हैं कि वो गीता द्वापर काल में लिखी गई थी। आज के युग की गीता थोड़ा सा उसमें भी कुछ परिमार्जन की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए ऋषि चिंतन ने कि जो द्वापर के युग की गीता थी आज की डेट में उतना कारगर नहीं हो पा रही है, तो आज के युग की गीता क्या होनी चाहिए। क्योंकि युग परिवर्तन जब होता है परिस्थितियां बदलती हैं, परेशानियां बदलती हैं, समस्याएं विभिन्न रूप लेती जाती हैं, मान्यताएं बदलती हैं, परंपराएं बदलती हैं, उसी के अनुसार उसके समाधान भी बदलने चाहिए। तो जो बदले हुए समाधान हैं आज की परिस्थितियों में वो क्या होना चाहिए। गीता, गीता वो ज्ञान है जिसको हम अपने आचरण में गाते हैं, इसीलिए गीता कहलाती है। कि आदर्श जीवन जीने की
कला सिखाती है, उस सतपथ पर हमको प्रेरित भी करती है और ले जाती है और पूर्णता पर पहुंचाती है। तो युग गीता का एक परिचय पिछली कक्षा में हुआ था और एक परिचय आज भी है कि युग गीता किस युग गीता की हम बात कर रहे हैं, कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्तिगत रूप से हमको किया, इसी को हम अगर कह सकते हैं कि ये गायत्री साधना है। अगर किसी को गायत्री साधना सीखनी है तो आज के युग की गीता को सीखना है, कि ज्ञान का अप्लीकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक ज्ञान जो है निरर्थक हो जाएगा हमारे लिए। तो ज्ञान का अप्लीकेशन जो है वही आज के युग की गीता है, और बिना इसके इस युग में कल्याण नहीं हो पाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने सारे धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला, एक निचोड़ निकाला और एक अभिनव रचना किया। पिछली कक्षा में हमने बताया कि गीता में ढेर सारे सूत्र ऐसे मिले, 500 सूत्र जो विभिन्न उपनिषदों से लिए गए हैं। कठोपनिषद के तमाम सूत्र हैं गीता में, एज इट इज रख दिए गए हैं। ये भी कठोपनिषद गीता से भी काफी पुराना है, लेकिन ये जो आज के युग की गीता है 3917 सूत्रों का अभिनव रचना हुई है, पूरी तरह से नए, कहीं से कोई कॉपी नहीं। परम पूज्य गुरुदेव की रचना है, भाष्य नहीं, स्वयं उन्होंने रचना किया है आज के युग के लिए, कि सारी समस्याओं का अचूक समाधान वो प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है। उसका नाम क्या दिया? प्रज्ञोपनिषद। और जो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ हमारे यहां भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का है, वह प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में तीनों चीजों की व्याख्या कल लास्ट टाइम किया गया था, कि नंबर एक पर सारे उपनिषदों को रखा गया है, नंबर दो पर वेदांत दर्शन को रखा गया है, कि वेदों का जो निचोड़ है उसका दर्शन कैसे किया जाए, क्या तरीका है उनके अनुशीलन का, उनके स्वाध्याय का, उनके चिंतन मनन का क्या शैली होनी चाहिए, कैसे दर्शन किया जाए। हम मूर्ति का दर्शन करने जाते हैं, क्या दर्शन करते हैं मूर्ति में, जब तक हम जानेंगे नहीं कि दर्शन होता क्या है तब तक हम उसका अनुशीलन नहीं कर पाएंगे, अनुसरण नहीं कर पाएंगे, अनुकरण नहीं कर पाएंगे, आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो सारे उपनिषद प्लस वेदांत दर्शन जो हमारे भारतीय दर्शन की रीढ़ है, और तीसरा स्मृत ग्रंथों से गीता को लिया गया था, भगवत गीता, इन तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी बनाई गई। जीवन को पूर्णता तक ले जाने का एक तरीका बताया गया, और तीनों को मिलाने के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने, क्योंकि जो आने वाला युग है, जो परिवर्तन हो रहा है, इसी की ये सब विभिषिकाएं घट रही हैं। एक युग जब करवट लेता है, नया युग जब आने वाला होता है, तो विभिषिकाएं आना स्वाभाविक है। पुराना मकान जब ढह करके नया मकान बनेगा तो टूट फूट होनी ही होनी है, वो भीतर भी होगी, बाहर भी होगी, पूरे युग में होगी, क्योंकि करवट ले रहा है युग। तो जो नया युग आने वाला है उसका नाम भी रखा गया प्रज्ञा युग। तो प्रज्ञा युग के लिए जो आज का उपनिषद है, नया उपनिषद जो रचना किया परम पूज्य गुरुदेव ने, नाम उसका प्रज्ञोपनिषद है, उसी को आज के युग की गीता कहते हैं। और ये गीता ऐसी है, कृष्ण ने 700 सूत्रों की गीता दिया, कि जो विशिष्ट लोग पढ़ते हैं, विशिष्ट लोग उसका आचरण कर पाते हैं, लेकिन ये जो गीता लिखी गई है प्रज्ञोपनिषद नाम से, बहुत ही सरल, सहज, सुलभ, सबके लिए, पढ़ा लिखा व्यक्तित्व हो, न पढ़ा लिखा हो, पुरुष हो, नारी हो, बाल हो, वृद्ध हो,
गृही हो विरागी हो सबके लिए अप्लीकेबल है। क्या इसमें किया इन्होंने, आज इसका परिचय थोड़ा सा गहराई में जाकर के दिया जाए ताकि अगली कक्षा में एक एक अध्याय को लिया जाए और उस पर जो चार पुरुषार्थ होते हैं जीवन के पूर्णता तक ले जाने के लिए, उसमें पहला होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, स्वयं का अध्ययन। किसके लाइट में, आज के युग की गीता के लाइट में। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हम सत्य का संग नहीं कर पाएंगे। तो स्वाध्याय करना है आज के युग की गीता के परिप्रेक्ष्य में अपने का, स्वयं का। स्वयं का अध्ययन ही स्वाध्याय है। और उस स्वाध्याय के माध्यम से फिर मनन चिंतन करके हम सत्संग करेंगे। सत्संग का मतलब कहीं तपाष्टक नहीं है दस लोगों के बीच में, स्वयं के अंदर सत्संग होता है। एक रास्ता अगर हमको मिल जाता है, एक प्रकाश मिलता है, तो उस प्रकाश के साथ में रेजोनेंस को स्थापित करना ही सत्संग है। इसलिए आत्मसंग सबसे बड़ा सत्संग होता है और सबसे कारगर होता है। तो स्वाध्याय, सत्संग और फिर संयम कैसे करना होता है वो भी इसका एक सब्जेक्ट है। और उसके आधार पर सेवा कैसे प्रभावी हो, तो स्वाध्याय, सत्संग, संयम और सेवा, यही जीवन के चार पुरुषार्थ हैं जिसका एप्लीकेशन करके हम अपने जीवन की पूर्णता तक पहुंच सकते हैं और इस मानव जीवन को कृतकृत कर सकते हैं। तो 3917 सूत्रों को परम पूज्य गुरुदेव ने 42 अध्याय में डिवाइड किया और इस 42 अध्याय को अगर इसमें मिलते जुलते और ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया जाए तो 6 मंडल निकल के आए। एक एक मंडल में 7-7 अध्याय को लिया गया। तो पहला मंडल जो किया गया कि आज के युग की समस्या क्या है, समस्या का मूल कहाँ है और इशू क्या है। और इशू आज के युग का है आस्था का संकट। हम अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम कौन हैं, अपनी गरिमा भूल गए हैं। एक व्यक्ति से इतना डर गया है, भय का माहौल हो गया है, विश्वास समाप्त हो गया है, मत भ्रम हो गए हैं। तो आस्था संकट का मूल कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, उसी के माध्यम से लोक कल्याण की जिज्ञासा पैदा होती है व्यक्ति के अंदर और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यही जिज्ञासा हमको पूर्णता तक ले जाएगी और कृतकृतता को भी दिलाएगी। इसलिए पहला जो मंडल लिया गया है वो लोक कल्याण जिज्ञासा का प्रकरण लिया गया है। इसके अंदर 7 अध्यायों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इससे एक क्यूरियासिटी डेवलप हो जाती है हर व्यक्ति के अंदर कि फैक्ट क्या है, सत्य क्या है। आज के युग की समस्या चाहे व्यक्ति की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे राष्ट्र की हो, चाहे पूरे सृष्टि की हो, क्या है उसका मूल, उसका सलूशन क्या है, जाना किधर है, अस्तो मासद गमय कैसे किया जाए, क्या फार्मूला है। एक जिज्ञासा जब आ जाएगी व्यक्ति के अंदर तो दूसरा मंडल जो लिया गया है, दूसरा मंडल लिया गया है कि सृष्टि का सबसे मूल जो है वो व्यक्ति है। तो व्यक्ति का निर्माण कैसे किया जाए, अगर एक व्यक्ति का निर्माण हो जाए, अगर मनुष्य मनुष्य बन जाए, तो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, महामानव देवमानव बनाने के लिए कौन सा फार्मूला है, उसी को धर्म कहा गया है। वो धर्म क्या है जिसकी हम रोज चर्चा करते हैं, है क्या फैक्चुअली वो धर्म जिसको अपनाने से एक गिरा हुआ मनुष्य महामानव बन जाता है देखते देखते। वो कौन सा धर्म है कि एक राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है आज के युग के लिए। तो व्यक्ति का निर्माण ये दूसरे मंडल में किया गया है। धर्म की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ स्वरूप क्या होना चाहिए। और अगर व्यक्ति निर्माण हो गया तो तीसरा अध्याय कि व्यक्ति से जुड़े हुए लोग जो हैं वो परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार बनता है,
तो व्यक्ति निर्माण के बाद दूसरा परिवार का निर्माण कैसे, परिवार के अंग अवयव क्या है, और एक संकीर्ण दायरे को फैला करके विश्व परिवार की व्यवस्था कैसे बनाई जाए ताकि हम सृष्टि तक अप्रोच कर सके। फार्मूला वही रहेगा कि जो छोटा परिवार राष्ट्र होता है, छोटा राष्ट्र होता है। तो तीसरे अध्याय में परिवार निर्माण को लिया गया है, तीसरे मंडल निरादर। चौथे मंडल में अगर परिवार निर्माण हो जाता है तो फिर समाज की बात आती है। ढेर सारे परिवार मिलकर के समाज और समाजों का जिसने रचना करते हैं, उसी के माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। तो चौथे मंडल में समाज का निर्माण, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, तीर्थ और देवालय की क्या महत्व है, धीरे धीरे करके फिर हम प्रज्ञा अवतार की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब समाज और राष्ट्र को सही दिशा मिल जाती है तो स्टेप बाय स्टेप फिर आगे की यात्रा क्या है। समाज को राष्ट्र का निर्माण करके हमने बहिरंग को तो सुव्यवस्थित कर लिया, लेकिन इससे मानव जीवन की पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। तो पूर्णता की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतरंग को भी परिष्कृत करना पड़ता है। यही तो जीवन का उद्देश्य है। तो अंतरंग को परिष्कृत करने के लिए अब हमारी यात्रा बाहर से भीतर की तरफ शुरू हो जाती है, और बाहर से भीतर के लिए फिर सर्वधर्म संभाव सायुजता स्थापित करने के लिए अंदर से प्रेरणा जगे। हम आत्मा के स्तर पर जाकर के आत्मिक परिष्कार जब करने लगते हैं, आत्मबोधत्व को प्राप्त करने लगते हैं, फिर उसका धर्म अलग धर्म स्वरूप ले लेता है। तो अंदर की जब परिष्कार होने लगते हैं, बाहर सुव्यवस्थित भी हो गया है। ये पांचवें मंडल में लिया गया ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। और छठे मंडल में क्या लिया गया है, जो लास्ट मंडल है, कि ये समाज परिवार के साथ में जो हमारे वृक्ष वनस्पतियां हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये किस स्वरूप में है, कुछ हमारा अदृश्य लोग भी है, सूक्ष्म सत्ताएं भी हमारे साथ चल रही हैं, कि जिनका रियल कंट्रोल उन्हीं का है, उनके साथ में साझेदारी कैसे स्थापित किया जाए। शिवालय सिर्फ पर्वत नहीं है, वो देव का आत्मा है। उसका जो हिमाच्छादित क्षेत्र है वो उसका हृदय है देवता का, उसके साथ में साझेदारी स्थापित कैसे की जाए। यज्ञ की क्या साइंस है, जो ढेर सारा हमारा अदृश्य लोक है, जहां से ढेर सारी प्रेरणाएं आती रहती हैं, जहां से नियंत्रण होता है, उसकी साइंस क्या है। और उसी की साइंस को जानने के लिए फिर ऋषि चिंतन पर जाना पड़ेगा, और फिर वही हमारा युग आ जाएगा जो सतयुग है, जहां ऋषि कल्प की बात होती थी कि ऋषि सत्ताएं और मुनि सत्ताएं, वही हमारे साइंटिस्ट और वही हमारे इंजीनियर थे जो जीवन को नई दिशा देते थे और अंतरंग को परिष्कृत करवाते थे और बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित करवाते थे, ताकि जीवन हम इन दो उद्देश्यों को पूर्ण करके अंतरंग परिष्कृत, बहिरंग सुव्यवस्थित सुविकसित, अर्थात मनुष्य के अंदर महामानव के गुणों को डेवलप करके इस धरती को ही स्वर्ग बना दिया जाए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया भी रहेगा। आत्मनोमोक्षार्थ जगत हिता है, जगत का कल्याण करते हुए आत्मा को मोक्ष देना, अमृत को प्राप्त कर लेना, बोधत्व को प्राप्त कर लेना, ये जीवन पूर्णता तक पहुंचेगा। तो ये टोटल जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया गया है, इनको 12 अध्यायों में किया गया है। परंपरा क्या ली गई है, इसमें परंपरा पौराणिक शैली भी ली गई है, उपनिषद शैली भी ली गई है, श्रुति को भी लिया गया, स्मृति को भी लिया गया है, उपनिषद भी है, कथानक के माध्यम से भी। सारी चीजों को गुरुदेव ने इतना बहुत बढ़िया ढंग से अभिनव रचना किया है कि एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए,
शैली क्या होती है? हमारी जो भारतीय दर्शन है उसमें एक जिज्ञासु प्रश्न पूछता है और जो सिद्ध है चेतना का स्वरूप है, अपनी पराकाष्ठा पर यात्रा कर चुका है, वो उसका समाधान देता है, व्यवहारिक समाधान देता है, थ्योरेटिकल नहीं। वो समाधान वही देता है कि जिस पर चल करके उसने अपने पूर्णता को पहुंचा है, प्राप्त किया है। और ऋषि चिंतन हो तो ऋषि चिंतन में उस सिद्धांत को सरल रूप में अभिव्यक्त करने की क्या फिलॉसफी है कि जो एक कॉमन मैन फॉलो कर सके, सबके लिए संभव हो सके, यही तो ऋषि चिंतन है। तो इसमें आज के विषय में ये मेन फोकस थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि इन 42 अध्यायों में कौन प्रश्न पूछ रहा है, कौन उत्तर दे रहा है, मुख्य मुख्य प्रश्न क्या है। आज खाली हम प्रश्नों की बात करेंगे क्योंकि उसका उत्तर गहन चर्चा होगी, एक एक अध्याय के ऊपर एक एक क्लास ले जाएंगे और कुछ अध्याय विस्तृत हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, उस पर आवश्यकता पड़ी तो 2 कक्षा ले ली जाएगी, उस पर मेडिटेशन किया जाए, मनन चिंतन किया जाए। क्योंकि अगर ऋषि ने अपनी घनघोर तपस्या के बाद ये दिया है हमारे लिए वरदान, तो इस वरदान को हम लोग लेकर के अपने जीवन को भी कृतकृत करें। तो इसको अगर हम देखें कि जीवन को पूर्णता तक ले जाने के लिए कि जो अध्याय लिखे गए हैं, तो हम 42 अध्यायों की बात कर लेते हैं। मंडल की तो बात कर लिया कि मोटी मोटा लोक कल्याण, जिज्ञासा, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, उसके बाद आत्मिक परिष्कार और फिर अदृश्य लोक के बारे में, सूक्ष्म जगत के बारे में भी चर्चा पर चर्चा। ये तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हुआ। अब अगर एक एक अध्यायों को ले लें, अब जैसे पहला अध्याय ले लिया तो शुरुआत कहां से होती है, लोक कल्याण की जिज्ञासा कैसे आवेदन, और यहां पर क्या है सीधे ये मैटर कहां का रहा है, सृष्टि संचालक इसका जवाब दे रहा है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। बैकुंठ लोक में निवास करने वाले महाविष्णु के पास अप्रोच किसकी होती है, नारद जी की। ऋषियों में श्रेष्ठ नारद मुनि, सीधे नारद मुनि प्रश्न करते हैं कि बिचौलिया को छोड़िए और सीधे जिसने सृष्टि का निर्माण किया उसी से प्रश्न किया जाए, वही युग का भी निर्माण कर रहा है, वही संचालन भी कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो सीधे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न क्या पूछते हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं कि आज की परिस्थिति में जीवन चर्चा में क्या चीज समाहित किया जाए कि जो सरल हो, सहज हो, सर्वसुलभ हो, सबके लिए साधना, कि जो लोग कल्याणी सिद्ध हो। वो समय नहीं रहा कि एक पैर पर एक टांग पर हम खड़े होकर के तपस्या करें, हिमालय पर चले जाए तो घर छोड़ दें, तो यहां चले जाए तो वहां चले, नहीं, इसी गृहस्थ में रचे पचे हो करके खोमचे वाला भी कर ले, बूट पॉलिश करने वाला स्वीपर भी कर ले और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कर ले और विवेक की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ हर व्यक्ति जो भी उसका प्रोफेशन हो वो भी कर ले। वो कौन सी ऐसी साधना है कि जो सबके लिए सर्वसुलभ हो, सरल हो, सहज हो, क्योंकि साधना नहीं करेगा तो पूर्णता तक नहीं पहुंचेगा। तो वो सरल साधना क्या है, ये पहला प्रश्न। देखिए ऋषि चिंतन कितना है, कितना व्याकुलता है नारद जी के पास, ऋषियों में श्रेष्ठ नारद जी के पास, देख रहे हैं कि लोग बिलबिला रहे हैं, आज भी नारद है, आज प्रश्न पूछने गए हैं, आज के लिए क्या उत्तर दिया है विष्णु भगवान ने। यह उत्तर सतयुग के लिए नहीं है, द्वापर त्रेता के लिए नहीं है, आज के लिए, और वो अप्लीकेबल होगा क्योंकि सृष्टि के निर्माणकर्ता स्वयं कह रहे हैं, इसलिए उसके अलावा और कोई सलूशन है ही नहीं। उसका मूल क्या है समस्याओं का, उसका क्या समाधान निकल सकता है, जो कि वर्तमान विभिषिकाओं का मूल कारण क्या है, आज जो हर बात पर आ रहा है, कोरोना आने वाला है, हैजा आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, यहाँ आग लगी है, वहां आग लगी है, त्राह त्राह मची है, सबके खाने पीने की व्यवस्था है फिर भी सुकून शांति कहीं नहीं, इसका मूल कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। कारगर समाधान एक ही है
और उसको नहीं अपनाएंगे तो कुछ भी करते रह जाए, टेम्परेरी सोल्यूशन तो आता रहेगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं आता है। और ऐसी विविधताओं में जो अग्रदूत होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उनकी क्या दायित्व? ये भी एक प्रश्न पूछा उन्होंने कि समाज में, समाज का जो मुखिया होता है, समाज में दो चार अच्छे लोग होते हैं, परिवार के अंदर एक दो अच्छे लोग होते हैं, वो चिंतित होते हैं कि परिवार को हम सही दिशा में कैसे ले जाएं, उनको क्या करना है, उनके लिए भी आप दिशा निर्देश दें, इस तरह के प्रश्न। और इस युग संधि की बेला है, क्योंकि सबको पता है कि कलयुग करवट ले रहा है, और जब कलयुग करवट लेता है तो विभिषिकाएं भीतर भी आती हैं, बाहर भी आती हैं, और उसके दृश्य हम लोग विभिन्न रूपों में देख रहे हैं। तो युग संधि की बेला में ये जो 24वां अवतार आने वाला है, क्योंकि देव सम्राट का अवतार पूरा हो चुका है, और 24वां कल की अवतार के बारे में जो प्रज्ञा अवतार है, निष्कलंक अवतार है, इसका क्या स्वरूप होगा, इसमें ज्ञान और कर्म किस रूप में होने चाहिए कि जो आज के लिए प्रभावी हो, इस तरह के प्रश्न पहले अध्याय में है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करने का प्रयास करेंगे। दूसरे अध्याय को अगर लेते हैं तो अध्यात्म दर्शन क्या है, दुनिया भर के हम धर्म की बात कर रहे हैं, और अध्यात्म जो अपने आत्मा का विषय है, क्या दर्शन उसका है, क्या फिलॉसफी उसकी है, उसमें कौन है, उसके सत्र अध्यक्ष है, एक सत्र चलाया जा रहा है लोक कल्याण के लिए, और ये सत्र के अध्यक्ष कौन है, सत्राध्यक्ष ऋषियों और महर्षियों में श्रेष्ठ महर्षि पिपलाद, जिन्होंने सिर्फ पीपल के गोदे को खा करके पूरे जीवन को बिताया, इतनी घनघोर तपस्या करके पूर्णता को प्राप्त किए, महाप्राज्ञ थे। और जिज्ञासा किसकी है, प्रश्न कौन पूछ रहा है, ऋषियों में श्रेष्ठ अष्टावक्र ऋषि। अष्टावक्र की गीता आप लोग पढ़ते हैं, अष्टावक्र एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आज के युग को लेकर के चिंतित है, आज के युग के लिए अष्टावक्र ने प्रश्न दिए, आज जो समस्या आई है, कोरोना की समस्या, इसकी समस्या, घर की समस्या, उसकी समस्या, उसके लिए क्या प्रश्न है, प्रश्न उन्होंने किया और उत्तर दिया महर्षि प्रह्लाद ने। प्रश्न क्या है कि सृष्टि का मुकुटमणि मनुष्य जो है परमात्मा का राजकुमार है, सभी कहते हैं कि हम परमात्मा के राजकुमार हैं, लेकिन आज उसकी स्थिति जो है तिरजक जोनी से भी बदतर हो गई, जो अपंग जोनी है, कीट पतंगों की जोनी है, पशु पक्षियों की जोनी है, उससे भी बदतर जोनी राजकुमार की कैसे हो गई। अगर हम उस श्रेष्ठा के राजकुमार हैं तो महर्षि प्रह्लाद इसका उत्तर देते हैं, क्या कारण है कि एक राजकुमार तिरजक जोनी से बदतर कंडीशन पहुंच गया है, और व्यक्तित्व में उत्थान अर्थात मनुष्य को महामानव बनाने का फार्मूला आज की तारीख में क्या है, कौन सा फार्मूला अपना लिया जाए कि हम तिरजक जोनी से बदतर कंडीशन से उठ करके देव मानव महामानव बन जाए, मानव से भी आगे चले जाए, वो क्या फार्मूला है, उसके फार्मूले को बताया उन्होंने, अपना कल्याण कैसे करें और समाज का कल्याण करने का फार्मूला, ऐसा कौन सा सूत्र है कि दोनों चीजें से धोने लगे, हम खाली स्वार्थ में रह करके परमार्थ भी नहीं कर पाए और स्वार्थ भी नहीं पूरा हो पाए, तो क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए और समाज सेवा भी हो जाए। हाँ, उसका फार्मूला है, महर्षि पिपलाद ने दिया है, आज के लिए, द्वापर के लिए नहीं। तीसरा अध्याय में जाते हैं, अजस्र अनुदान उपलब्धि, कि हम पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, विभिन्न रूपों में उससे कनेक्शन लेकर के कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक कैसे अनुदान मिलता रहे। अगर हम वरदान अनुदान लेना चाहते हैं उस सत्ता से तो लगातार देने लगे, इसका क्या फॉर्मूला है। इस टॉपिक का नाम ही अजस्र अनुदान उपलब्धि, और इसमें प्रश्नकर्ता कौन है, श्रेष्ठतम बुद्धि वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले श्वेत केतु ऋषि है। श्वेत केतु ऋषि प्रश्नकर्ता है, जिज्ञासु है, और सत्राध्यक्ष महर्षि पिपलाद।
तो इस अजस्र अनुदान उपलब्धि वाले टॉपिक में उनका प्रश्न है कि क्या परमात्मा का राजकुमार मनुष्य सर्वसमर्थ एवं पूर्णतः स्वतंत्र है। पहला प्रश्न बहुत सटीक पूछा कि अगर वो परमात्मा का राजकुमार है तो क्या वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का अंश है, श्रेष्ठतम अंश माना जाता है, परमात्मा ने सारे गुणों को दे दिया है, तो क्या उतना स्वतंत्र है जितना परमात्मा है? प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? दूसरा प्रश्न ने क्या किया है कि ईश्वर को प्रसन्न करने और उसका अनुग्रह प्राप्त करने का उपाय क्या है? दुख, दरिद्र, विपन्नता, पतन, पराभव, ये दुनिया भर की जो समस्याएं हैं आज के टाइम पर, क्या इनके निराकरण का कोई सरल सूत्र है कि हर व्यक्ति इससे बाहर आ सके? हाँ है, उसको महत्व लाते। कितनी बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो ऋषि चिंतन हमारा है, कितनी पीड़ा उसको लेकर के है कि मानवता को कैसे बचाया जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, चेतना के किस धरातल पर जाकर के परम पूज्य गुरुदेव ने आज के लिए अभिनव रचना किया है। चौथा उत्तर लेते हैं, अगर चौथा अध्याय उदार भक्ति भावना, इसमें भी दूसरे सूक्ष्म बुद्धि के धनी महर्षि उद्दालक प्रश्न करता है, और सत्राध्यक्ष महर्षि विप्लव कि समय समन्वय और श्रमशीलता तो मोहग्रस्त भी करते हैं, कर्म तो सभी कर रहे हैं, कर्मठी हैं, तो कर्मठी में और कर्मयोग में क्या अंतर है? क्या दिन रात कर्म में लगे रहना ही कर्मयोग है? क्या दोनों में अंतर है? वो भी तो समय का सदुपयोग करता है जो दिन रात कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन हे स्तर की बनती जाती है। ऐसी क्या फार्मूला है, ऐसी क्या साइंस है कि कर्म कर्मयोग बन जाए? कर्मठता नहीं, गधा भी कर्म करता है, चोर भी कर्म करते हैं, लेकिन कर्मयोग नहीं करते हैं, वो भी समय का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। भक्ति भावना का स्वरूप क्या होना चाहिए? हम हमेशा बात करते हैं कि भक्ति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, भक्ति योग बहुत जरूरी है। क्या है स्वरूप उसका? कैसे पता चलेगा कि भक्ति है कि नहीं है? हमारे अंदर भक्ति आई कि नहीं आई? क्या झाल बजाते रहना भक्ति है? राम राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम करना भक्ति है? क्या स्वरूप है? आज के टाइम पर साइंस का विद्यार्थी जानना चाहता है, जो बदल चुका है, पढ़ा लिखा वर्ग जानना चाहता है कि भक्ति क्या है कि जिसको आने के बाद सब कुछ अपने आप आ जाता है। उदार भक्ति भावना का स्वरूप क्या होना चाहिए? स्वार्थ संकीर्णता एवं परमार्थ प्राणता के स्वरूप वो प्रतिफल की विस्तृत विवेचना की गई है डिफरेंट प्रश्नों के माध्यम से, कि कहां पर स्वार्थ संकीर्णता है और किस स्टेज पर परमार्थ प्राणता में बदल जाता है। जो पतला सब दोनों के बीच में विभाजन रेखा है वो क्या है? कैसे समझा जाए कि हम कोई काम परमार्थ का कर रहे हैं या स्वार्थ का कर रहे हैं? छठे अध्याय में अगर जाते हैं तो आज के युग के लिए फिर वही प्रश्न आता है, सत्साहस और संघर्ष। सत्साहस क्या होना चाहिए, संघर्षशीलता कैसी होनी चाहिए? सत्राध्यक्ष कौन है? महर्षि पिपला जी। लेकिन प्रश्नकर्ता, अगर थोड़ा सा भी आपकी अध्यात्म में रुचि है तो जरूर आप इंडिकेशन पहुंच गए होंगे कि जब सत्साहस की बात आती है तो महर्षि दुर्वासा का नंबर आता है। महर्षि दुर्वासा इसके ऋषि है कि आज के युग में जो इतनी सारी बुराइयां, इतनी सारी समस्याएं मोबाए खड़ी हैं, इस सृष्टा की पवित्र सृष्टि में सर्वत्र अधर्म का, दुष्टता का किस तरह से व्याप्त है और इसका प्रतिकार कैसे किया जा सकता है? क्या सद्गान से संभव है? क्या सज्जनता से संभव है? पिछली कक्षा में एक प्रश्न आया था कि आप धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म के ऊपर इतना बड़ी आपदा आ गई है, विश्व स्तर पर आ गई, इस तरह के प्रश्न आए थे। ऐसे प्रश्नों के लिए भी महर्षि दुर्वासा ने प्रश्न किया था कि अगर हम सत्साहस करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो अपराध कहां कर रहे हैं? क्या सद्ज्ञान से दुष्टता को हटाया जा सकता है? उसका भी महर्षि प्रहलाद ने बहुत सटीक उत्तर दिया है। अनित को, अज्ञान को, अभाव को उत्पन्न करने वाली बुराइयों से कैसे निपटा जाए?
जो अनित समाज में हो रही है उसको क्या ज्ञान के माध्यम से ही उसका प्रतिकार उचित है आज के टाइम पर? इस तरह का प्रश्न तो बनता है। और प्रश्न करता महर्षि दुर्वासा, तो दुर्वासा को भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि किस स्टेज पर उन्होंने गलती किया है और क्या गलती उनकी हो रही है और क्या अच्छाइयां हैं, दोनों को बता महर्षि प्रहलाद को। उसके बाद सातवां अध्याय जो पहले मंडल का है कि युगांतरी चेतना एक युग जब करवट लेकर के दूसरे युग में बदलता है, एक कच्चा मकान गिरा करके अगर हम पक्का मकान बदलने जाते हैं तो किस तरह की लीला होती है, क्या होने वाला है, क्या से क्या होने वाला है, इन सब की भविष्यवाणियां गुरुदेव बहुत पहले कर चुके थे, 1960 में कर दिए थे कि ये करवट ले रहा है, इस तरह की चीजें होंगी, अक्षरशः सत्य हो रही है। तो युगांतरी चेतना का लीला संदोह क्या है, और जब युग परिवर्तन होने लगता है तो इस पर जब चर्चा होती है तो यहां पर अजरता और अमरता का प्रश्न आता है कि जिसने युग को देखा है, युगों को देखा है, ऐसे कौन से ऋषि हैं कि जो युग युगांतर तक रह रहे हैं, वही उत्तर दे सकते हैं। और ऐसे ऋषियों में जब नाम आता है तो महर्षि मार्कंडेय का नाम आता है, और प्रश्नकर्ता महर्षि वैशंपायन ऋषि। काकभुसुंडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, किसी को कौवे का चोला पसंद था तो किसी को तोते का चोला पसंद था। तो महर्षि वैशंपायन पूछना चाह रहे हैं कि जो परम चेतना है, सृष्टा है, वो किस तरह का लीला कर रहा है, जो युग बदलने वाला है, युग बदल रहा है, तो कैसे कैसे स्वरूप इसका चेंज होगा, अभी तक क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। ऋषि वैशंपायन की जिज्ञासा, पूछते हैं कि प्रज्ञा युग के शुभारंभ पर वैकुंठ में जो विष्णु और नारद जी के बीच में ये गोपनीय चर्चा चल रही थी, अब देखिए कि वैकुंठ में चर्चा चल रही है दो लोगों के बीच में, सृष्टा के बीच में जो सृष्टि का निर्माण किया है, संचालन कर रहा है, और नारद जी के बीच में, और उसके दृष्टा कौन है, जो युगांतरी चेतना के साथ में साजुता स्थापित किए हैं महर्षि मार्कंडेय, इन्हीं के नाम पर मार्कंडेय पुराण की रचना इन्होंने किया है, देवी भागवत पुराण इन्होंने ही किया है, देवी महात्म इन्हीं की रचना है, जिसको हम लोग दुर्गा सप्तशती के नाम पर स्वाध्याय करते हैं, दो ग्रंथ यहां पर जो महत्वपूर्ण लिए गए हैं 700 सूत्रों के, दुर्गा सप्तशती और भगवत गीता, दोनों 700 सूत्रों के, और दोनों में लड़ाई झगड़ा मार पीट काट की बात आई है, और ये बाहर की लड़ाई नहीं है, आंतरिक युद्ध है, उसका प्रतीकात्मक रचना की गई है। तो वही मार्कंडेय ऋषि उसके दृष्टा है कि जो विष्णु भगवान के और नारद ऋषि के बीच में, नारद मुनि के बीच में जो संवाद चल रहा है कि नए युग के निर्माण के बीच में अभी तक क्या कुछ हो चुका है और आगे क्या कुछ होने वाला है, आज के लिए हमेशा हम याद करें, ये दूसरे काल के लिए नहीं, आज की परिस्थिति में जिस टाइम हम चल रहे हैं, जागृत आत्माओं को सतपथ पर चलने हेतु क्या युग धर्म अपनाने की आवश्यकता है, क्या अनिवार्यता है, जो अग्रदूत हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ जीवात्माएं हैं, उनके कौन से युग धर्म है, उनको क्या अपनाना चाहिए आज की डेट में, और एक कॉमन मैन को क्या अपनाना चाहिए, आगे आने वाला प्रज्ञा युग का स्वरूप क्या होगा, ऐसा क्या करना होगा जो हमारे लिए श्रेयस्कर होगा आज के टाइम पर। ये रहा पहले मंडल का 7 अध्याय, जो प्रयास रहेगा कि 7 दिनों में इस पर गहन चर्चा कर ली जाए, और बहुत ही सरल भाषा में, सहज भाषा में परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर टिप्पणी लिखा, और बहुत सटीक एक एक अक्षर एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण है उसके। द्वितीय मंडल में अगर हम चलते हैं तो व्यक्ति निर्माण प्रकरण, व्यक्ति निर्माण कैसे हो, सृष्टि का जो मूल है वो व्यक्ति में है, अगर व्यक्ति बदल जाए तो व्यक्ति निर्माण के लिए उन्होंने क्या किया है कि देव मानव समीक्षा किया है, और ये महर्षि आश्वलायन इसके सत्राध्यक्ष हैं। महर्षि आश्वलायन का जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं,
उनको पता है कि सबसे ज्यादा प्रभावी सूत्र जो उन्होंने दिया है वैदिक काल की फिलॉसफी से लेकर के और सारे वेद की फिलॉसफी में आता है, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, साल शुल्ब सूत्र, ये चारों सूत्र महर्षि आश्वलायन के बहुत फेमस है और इसी पर पूरी की पूरी वैदिक फिलॉसफी चल रही है। तो वो इसके सत्राध्यक्ष हैं, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण का फॉर्मूला वही बताएंगे आज के युग के लिए। और प्रश्नकर्ता पहले अध्याय के कौन है, महर्षि ऐतरेय, जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण की रचना किया है, ऐतरेय उपनिषद भी है। ईश्वर ने मनुष्य को प्रायः एक समान मात्रा में ईश्वर प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की है, परंतु उनकी वास्तविक स्थिति में इतना अंतर कैसे हो गया। सबके पास दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, कान है, नाक, मेजॉरिटी में, लेकिन दो लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं है, उसका क्या मूल कारण है, क्यों इतना परिवर्तन व्यक्तित्व में हो गया है। व्यक्ति तो एक तरह का है, व्यक्तित्व में परिवर्तन का कारण, मूल कारण क्या है, अपनी स्थितियों परिस्थितियों को सुधारने का कारगर उपाय क्या है। क्योंकि परिवर्तनशील है हमारा व्यक्तित्व, हम परिवर्तन कर सकते हैं, और अगर इसको परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज के टाइम पर वो कौन सा फार्मूला है कि सटीक आज के लिए प्रैक्टिकली वायबल हो। मानव को महामानव बनाने का सही उपाय क्या है, अस्तो मासद गमे कौन सा फार्मूला इसका है कि एक मनुष्य एक महामानव बन जाए। ये पहला अध्याय है कि देव मानव समीक्षा, दूसरा अध्याय धर्म विवेचना का है, और दूसरे अध्याय में महर्षि मौद्गल्य प्रश्न करता है। ये मूंग की दाल खा करके पूरी जिंदगी इन्होंने बिता दिया, और ये भी प्रज्ञा की पराकाष्ठा पर, स्थित प्रज्ञा की पराकाष्ठा पर। और सत्राध्यक्ष महर्षि आश्वलायन, किन व्रतों को अपनाने से मानव देव मानव बनता है, तो कौन सा सूत्र है, कौन सा फार्मूला है कि जिसको अगर अपना लिया जाए एक साधारण मनुष्य एक महामानव बन सकता है आज के टाइम पर। धर्म का क्या स्वरूप है, कौन सा धर्म श्रेष्ठतम धर्म है, धर्म धर्म की चर्चा हम लोग करते हैं, है क्या धर्म, कौन सी बला है, किस धर्म को अपना करके एक साधारण राजकुमार एक महामानव बना, मर्यादा पुरुषोत्तम बना, तो कौन सा ऐसा धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, और श्रेष्ठतम धर्म की उपलब्धियां और चुनौतियां क्या है, ये प्रश्न किया है महर्षि मौद्गल्य ने और उत्तर दिया है महर्षि आश्वलायन ने। तीसरा अध्याय कि धर्म की व्याख्या करते हैं तो पांच युग्मों में करते हैं, उन पांच युग्मों पर पांच अध्याय में विस्तृत चर्चा की गई है। तो पहला युग्म जो बनता है सत्य और विवेक का, तो सत्य और विवेक की परस्पर क्या संगति है, और सूक्ष्म बुद्धि संपन्न महर्षि कौंडिन्य ने इसके प्रश्न करता है, और महर्षि आश्वलायन सत्राध्यक्ष की हैसियत से इसके उस समाधान देते हैं कि सत्य और विवेक की परस्पर क्या संगति है, और दोनों के युग्म का विस्तार से विवेचन किया है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि विस्तार से बताइए सत्य क्या है और विवेक क्या है, कैसे पता चलेगा सत्य यही है, ये सत्य नहीं है ये कैसे पता चलेगा, विवेक क्या है, इसकी विस्तृत चर्चा हुई है। विचारवान व्यक्ति भी भ्रम में गलत निर्णय ले लेते हैं, प्रश्न उन्होंने किया है। कभी कभी विचारवान जो बहुत दूर तक सोचता है वह भी व्यक्ति उससे गलत निर्णय कैसे हो जाता है, जिनका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होता है उससे कैसे बचे। अगर कोई विचारवान है, अग्रदूत है, श्रेष्ठ है, तो इन दुर्घटनाओं से कैसे बचे। वो मनुष्य में पूर्ण सत्य को प्राप्त करने की चाह भी है और सामर्थ्य भी है, फिर भी वह एकांगी सत्य में क्यों उलझा रहता है, पूर्णता तक क्यों नहीं प्राप्त करता है, क्यों गांठ बन जाती है एकांगी सत्य में, इस तरह के प्रश्न आए। और इसके आगे चलते हैं तो जो दूसरा उन्होंने लक्षण दिया है धर्म का, संयमशीलता और कर्तव्य परायणता। अगर हमारे अंदर है तो हम धार्मिक है, पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है, अगर संयम है तभी हम कर्तव्य कर पाएंगे। तो संयमशीलता का और कर्तव्य परायणता का आपस में क्या संबंध है, रोग और शोक के लिए कौन सा असंयम उत्तरदायी है,
आज की डेट में जो भी ये रोग हमको पैदा हो रहा है, चाहे वायरल डिजीज हो, बैक्टीरियल डिजीज हो, और भी जो एक्सीडेंटल डिजीज है, इसका मूल कारण कहाँ है, कौन सा संजय उत्तरदायी है, और संयमित शक्ति के सुनियोजन में क्या बाधाएं आती हैं, कहां हम संयम में फेल हो जाते हैं कि अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। और उसके बाद अगर पांचवा अध्याय आते हैं तो अनुशासन और अनुबंध धर्म का एक युग्म है, दो लक्षण है कि बहिरंग में क्या अनुशासन अपनाना चाहिए और अंतरंग में जो हमारा एग्रीमेंट है अपने सोल से, वही अनुबंध है। एक संस्कृति है, दूसरा सभ्यता है, दोनों का परस्पर क्या संबंध है, महान व्यक्तित्वों का अनुशासन और अनुबंध किस स्वरूप में पाया जाता है, जो महानता को प्राप्त हुए हैं, महामानव बने हैं, वो किस तरह के अनुशासन और अनुबंध को अपनाए हैं। और एक और जब हम जाते हैं छठे अध्याय में, तो जो चौथा युग बनता है वो स्नेह सौजन्य और पराक्रम का बनता है, कि सौजन्य और पराक्रम की आपस में क्या संगति है, इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है, और जीवन में सफलता का मुख्य सूत्र क्या है कि इसको अपना करके हम कैसे सफल हो और कैसे दोनों में साज्यता स्थापित किया जाए, कि स्नेह सौजन्य भी हो और पराक्रम भी हो, एक बार में स्नेह सौजन्य, दूसरे में पराक्रम, दोनों को लेकर के बैलेंस कैसे चले कि जीवन हमारा बैलेंस होकर के सार्थक हो जाए। और लास्ट जो उन्होंने युग्म दिया है सहकार और परमार्थ, धर्म के लक्षण की विवेचना है कि सहकार और परमार्थ के जो प्रश्न करता है वो जरदारू ऋषि है और आश्लायन ऋषि इसके समाधान देने वाले हैं, कि धर्म धारणा के क्षेत्र में अंतिम युग पर विवेचन, दोनों में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए और ईश्वर अनुग्रह परमार्थ युक्त सहकारिता को मिलता है, न कि स्वार्थी एकजुटता को। अगर हम संघीय शक्ति सर्वदा नहीं होती है, एकजुटता कौन सी है जो प्रभावी होगी आज के टाइम पर, वहां पर सहकार की बात आ रही है, जिसके अंदर परमार्थ हो वो सहकार है, यहां पर उस संघीय शक्ति की बात आई है, तो इसकी विस्तृत विवेचना की जाएगी और उस पर अगले अध्यायों में लिया जाएगा जो आज की युग गीता है। और इसके बाद अगर हम चलते हैं परिवार निर्माण प्रकरण में, तो परिवार निर्माण में मोटी मोटा व्याख्या कर ले कि हरिद्वार कुंभ पर्व है, कुंभ पर्व क्यों लगाया जाता है, उस जमाने में कुंभ पर्व क्या महत्व, आज की तरह कुंभ पर्व नहीं होता था, जिसमें भारत सोने की चिड़िया था और विश्व गुरु था, उस समय कुंभ पर्व क्या होते थे, और एक गृहस्थ चलाने वाले ऋषि जो सफल ऋषि थे महर्षि धौम, वो सत्राध्यक्ष है, किसके लिए चला रहे हैं, गृहस्थों के लिए, और देश देशांतर से सारे गृहस्थ इकट्ठा होकर के अपने प्रश्न पूछते हैं कि जो घर परिवार में उनकी समस्याएं आ रही हैं, आज के युग के लिए जो समस्याएं फेस हम कर रहे हैं, ताकि हमारे परिवार के अंदर वो आनंद नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उसको कैसे पाया जाए, इसमें परिवार व्यवस्था पर प्रश्न है कि चारों आश्रमों का सिरमौर गृहस्थ लौकिक को आध्यात्मिक सर्वांगीण उत्कर्ष के लिए अनिवार्य है, सबसे अच्छा गृहस्थ धर्म क्यों है, क्यों अनिवार्य बताया गया है, इसमें कौन सी ऐसी मर्यादा अपना ली जाए कि ये सारे आश्रमों में सिरमौर हो जाए। वास्तव में संयुक्त परिवार एवं छोटा एक छोटा राष्ट्र है, जिसमें आत्म परिष्कार की साधना और राष्ट्र हित के लिए सुयोग्य नागरिक पैदा करने का दायित्व कैसे पूरा होता है, इसकी पूरी चर्चा है। एक जो नन्हा बच्चा हमारे परिवार में पल रहा है, उसको हमको राष्ट्र नायक बनाना है, ये दायित्व का निर्वहन हम कैसे करें, इसीलिए परिवार है। परिवार इसलिए नहीं है कि उसको एक पैकेज दिला करके उसका पेट पाल ले, ठीक है 25 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज आ गया, हमारा दायित्व खत्म, नहीं जी, जो युग धर्म की बात आ रही है, सद्गुणों को विकसित करने के लिए प्रयोगशाला परिवार कैसे बनाए, तो ये परिवार व्यवस्था प्रकरण के अंदर ये सारी चर्चाएं हुई हैं। फिर गृहस्थ जीवन प्रकरण क्या है, उस पर चर्चा आई है, आत्मकल्याण विश्व कल्याण हेतु गृहस्थ धर्म क्या है, उसके क्या सूत्र हैं कि गृहस्थ में रह करके हम आत्मकल्याण भी करें और विश्व कल्याण भी करें, और उसके बाद फिर संयुक्त परिवार के अंदर क्या क्या वरदान है और क्या क्या समस्याएं आती हैं,
उस पर विस्तृत चर्चा हुई है, उसका फॉर्मूला क्या है कि संयुक्त परिवार आज की तारीख में कैसे चलाया जाए, कौन सा हमारा क्रक्स है कि जिसका हम फोकस कर लें संयुक्त परिवार चलने लगेगा, नारी महात्म्य आने वाला जो भाव प्रधान होगा, नारियां अपने आप चार्ज ले लेंगी, कमान उसके हाथ में जानी ही जानी है, तो उसकी तैयारी हम कैसे करें, उनके हाथ में इस सत्ता का ट्रांसफर कैसे किया जाए, उनको किस तरह की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, पुरुषों का क्या दायित्व बनता है, तो नारियों के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। उसके बाद शिशु का निर्माण, परिवार में जो राष्ट्र नायक आने वाला है उसका कैसे निर्माण किया जाए, पैदा होने के पहले क्या करना, पैदा होने के बाद क्या करना है, हमारा क्या दायित्व से। और वृद्ध जन महात्म, परिवार में जो बुजुर्ग हमारे हैं वो धन्य हो जाए कि अपनी बुजुर्गियत को पा करके ऐसे जो की कल्पना गुरुदेव ने किया है, आज बुजुर्ग होना एक अभिशाप बन गया है। आप देखिए कि आम जब पक जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है, उसी तरह से अगर हमारे बुजुर्गों का महत्व बढ़ जाए तो कौन सा सूत्र है, बुजुर्ग अपनी गरिमा को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तो बुजुर्गों को भी समझने की आवश्यकता है कि हर परिवार में बुजुर्ग की पूजा होने लगे, भगवान की पूजा छोड़ करके बुजुर्गों की पूजा क्यों ना होने लगे, इस तरह के सूत्र दिए गए हैं। सुसंस्कारिता का संवर्धन कैसे किया जाए, परिवार में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण इकाई है, सबके अंदर सुसंस्कार हो, शिशु का भी निर्माण हो, नारी का भी महत्व हो, जो युवा है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए और वृद्धों को भी सम्मान मिलना चाहिए, सबको सुअवसर मिलना चाहिए। तो कौन सा फार्मूला है, किस तरह के संस्कार को डेवलप करना है, हर व्यक्ति का क्या दायित्व बनता है, जो परिवार का मुखिया है उसका क्या दायित्व बनता है। और फिर विश्व परिवार की बात आई है, लास्ट में हम कहां जाते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सभी हमारे परिवार का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते, इस स्तर तक अपने को ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के युग का निर्माण होगा। तो चूंकि समय की मर्यादा चल रही है, अब इसी हिसाब से आप मान के चले कि जो हमारे अगले तीन मंडल हैं, मंडल चतुर्थ जो भारतीय दर्शन को लिया गया है कि हमारी समाज का निर्माण कैसे हो, भारतीय संस्कृति है क्या और समाजगत कैसी कौन सी एक्टिविटी की जाए कि समूह में सबका संस्कार दे दिया जाए, वो सारे अध्याय इसके अंदर दिए गए हैं। अब अध्याय का नाम हम खाली पढ़ लेते हैं और बाकी इस पर चर्चा हो जाएगी कि देव संस्कृति की जिज्ञासा, उस देव की संस्कृति कौन सी थी जिसमें महामानव पैदा होते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था आज अभिशाप थी लेकिन वरदान है कैसे, संस्कार पर्व का क्या महत्व है, तीर्थ और देवालय का क्या उपयोग है, क्यों हम मंदिर जाते हैं, क्यों हम तीर्थस्थल दुनिया भर के बना के रखे, उसकी उपयोगिता क्या थी, जो आज हम कर रहे हैं वो उपयोगिता नहीं है, उसका रियल सदुपयोग आज के लिए क्या होना चाहिए, क्यों बनाई गई है, उस पर विस्तृत चर्चा होगी। मरणोत्तर जीवन का क्या प्रकरण है, क्या मरने के बाद फ्री हो जाते हैं, जावत जीवत सुखम जीवित ऋण कृत्या घृतक पीवित वहीं तक सीमित है या उसके आगे है कुछ, आगे है तो क्या है, क्यों हम उसको लेकर के चल रहे हैं। आस्था संकट प्रकरण, जो आस्था संकट है इसका निवारण कैसे कर लिया जाए। और प्रज्ञा अवतार प्रकरण, कि प्रज्ञा का अवतार जो हो रहा है इसमें क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ बदल रहा है, क्या बदल चुका है, क्या बदलने वाला है, आगे क्या होगा, पूर्णता तक पहुंचने पर क्या होगा। और अगर पंचम मंडल लेते हैं तो आत्म परिष्कार की साधना, तो कर्म व्यवस्था, कि कर्म क्या सुव्यवस्था है अध्यात्म के हिसाब से, आत्मिक परिष्कार और लोक साधना है, इसको महर्षि याज्ञवल्क ने बहुत बढ़िया ढंग से बताया है और महाराजा जनक के गुरु याज्ञवल्क। हम आज जनक कैसे बन सकते हैं गृहस्थ में रह करके, अपनी सर्विस करते हुए, बिजनेस करते हुए, खेती किसानी करते हुए, वकालत करते हुए कैसे राजा जनक बन सकते हैं, तो याज्ञवल्क के फार्मूले को अपना करके आत्म परिशोधन कर सकते हैं। और व्यवहारिक तपोयोग क्या है, अब वो तपस्या का युग नहीं रहा कि हिमालय पर जाकर के हम तपस्या करके आओ, नहीं, घर गृहस्थी में रहते हुए सुबह से लेकर शाम तक तपस्या भी करते रहे, जीवन को एंजॉय भी करते रहे, तो व्यवहारिकता उसकी क्या है। धर्म धारणा प्रकरण भी है, सर्वधर्म संभाव, कि दूसरे के विचारों को हम कैसे सम्मान दे सके, कि शिव पूजा हो सके, यही तो शिव पूजा है, कि जितने परिवार के सदस्य हैं सब अलग अलग विचारधारा के हैं, कोई सांप टांग के घूम रहा है तो कोई गाय से बैल से दोस्ती कर लिया है, तो कोई शेर से दोस्ती कर लिया है, कोई चूहे से कर लिया है, कोई सांप से कर लिया है, लेकिन कोई एक दूसरे के रास्ते को नहीं काट रहा है, कोई एक दूसरे का भोजन नहीं बन रहा है,
तो हम सबको सम्मान कैसे दें, सबके विचारों को आत्मसात कैसे करें कि जो आज की डेट में परिस्थितियां पैदा हुई हैं, एक दूसरे को जो है अपशब्द कहने का, विचारों को काटने का, गलत सिद्ध करने का, वो खत्म हो। उपासना साधना और आराधना का यथार्थ स्वरूप क्या होना चाहिए कि जीवन पूर्णता तक पहुंच जाए। और लास्ट अध्याय है कि देवात्मा हिमालय का प्रकरण क्या है, और ऋषि प्रकरण क्या है, हिमाद्र हृदय प्रकरण क्या है, और अदृश्य लोक के बारे में जो तमाम चर्चाएं होती हैं, यथार्थ जो गुरुदेव ने देखा है उसको उन्होंने रख दिया है। और यज्ञ विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, आत्मशोधन का प्रकरण क्या है, आत्मशोधन पर विस्तृत चर्चा हुई है। और इन सब चीजों को मिला करके जो लास्ट हमारा 42वां अध्याय आता है, छठे मंडल का सातवां अध्याय या ओवरऑल 42वां अध्याय, वो सब लेकर के और ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन। और बिना ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन के हम अध्यात्म की वैज्ञानिकता को नहीं समझ पाएंगे और विज्ञान की आध्यात्मिकता को भी आत्मसात नहीं कर पाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। न भारत विश्वगुरु बन पाएगा, न देश की सोने की चिड़िया बन पाएगा। तो पूर्णता तक पहुंचने के लिए आज के युग की गीता का, सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ बहुत सरल भाषा में सहज ढंग से सुलभ कराया परम पूज्य गुरुदेव ने, और सबके लिए एप्लीकेबल है, हर वर्ग के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे सर्विस सेक्टर वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, कोई भी हो, सबके लिए, और सबको यात्रा पूरी करनी है। तो इसी के साथ में, चूंकि समय की मर्यादा समाप्त हो रही है, तो ये परिचय आज का था थोड़ा सा गहराई में जाकर के। अब इसके आगे एक एक सब्जेक्ट को लिया जाएगा और उस पर सूत्रों की विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि सत्र को हम यहीं पर समापन तरफ ले जा रहे हैं। अब अगर कोई जिज्ञासा बनती है, कोई प्रश्न बनता है, तो उसको रखा जाए, उस पर चर्चा कर लिया जाए, ताकि कक्षा को फिर आगे विराम दिया जाए। बहुत बहुत आभार एससी सिंह साहब, आज जो आपने अपने आगामी पूरे जो युग गीता या प्रज्ञोपनिषद के ऊपर जो उसकी जो फाउंडेशन आज आपने तैयार कर दी है, और वास्तव में जब फाउंडेशन ही इतनी अधिक मतलब सारे न्यूरॉन्स चार्ज हो गए देखा जाए तो ये तो प्रश्न है, ये सब प्रश्न हम लोगों के, आज के युग के अर्जुन हम ही सब लोग हैं। जी जी जी, मेरा वही था। देखिए ना सर, उस समय भी कितने दूरदृष्टा थे वो लोग जिन्होंने, अब ये देख कितने देख लिए ना, कब से कब की हैं ये बातें, और ऐसा लगता है बिल्कुल समसामयिक है। जी जी, तो बहुत बहुत अच्छा, और मैं तो बहुत ज्यादा आपसे प्रभावित इसलिए और ज्यादा होता जा रहा हूँ कि इतनी आपने आपके जो अध्यात्म में जो आपकी इतनी ज्यादा रुचि प्राचीन ग्रंथों में, और आप अपना साथ में आपका वो भी उसमें भी बड़ा कुशलता से आपने अपने आधिकारिक कार्य भी निर्वहन करते रहते हैं, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कृपया आपने आपको अनम्यूट करके पूछ लें। प्रश्न किया और इसने उत्तर दिया, ये गुरुदेव ने ऐसे लिखा है या वहां से सूत्र आप जैसे लिखा, तो इसकी रचना तो गुरुदेव ने की है, तो गुरुदेव ने उस संवाद में लिखा गया सर। जब जब एक ऋषि चिंतन करता है और चेतना की पराकाष्ठा पर जा करके लिखता है, तो ये पात्रों को बनाया जाता है उनके गुणों के हिसाब से, और और जो 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 ऋषि का चिंतन होता है वही ऋषि पिपलाद होता है, वही धौम्य ऋषि बनता है, वही नारद बनता है, वही विष्णु बनता है, वही ब्रह्मा बनता है। इसका पठन पाठन गुरुकुलों में होना चाहिए और चारों मठों के हेड को ये बताया जाए कि ऐसा को ग्रंथ है और उपनिषदों में इसकी गणना हो, और क्योंकि जन जन तक पर और विद्वानों पे तभी पे जो फॉलोअर है उन्हीं पर अटका रहेगा, तो इसका एक बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा महत्वपूर्ण ये है आज के युग के लिए, पुराने युग के लिए चलो उपनिषद है, वेद है, सब है, ये भी उन्हीं पर रचा गया है, तो इसका कोई आप लोग
लेवल पे ही इसका भी चिंतन आप करें बाद में, तो ये पठन पाठन होना चाहिए प्रज्ञा उपनिषद का। सर इस पर हमारा जो अपना व्यक्तिगत विचार है कि ऋषि चिंतन ने एक वरदान दे करके चले गए हैं, अब उस वरदान का सदुपयोग करने के लिए हमारी जो बुद्धि विवेक है हम उसी हिसाब से करेंगे, और उनको ये ग्रंथ देने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट उनका संदेश था कि बेटा इसको पढ़ करके अपने जीवन में उतार करके अपने आचरण से अगर तुम कुछ दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुंह से बोलना होगा तो फिर मत पढ़ना, आचरण से अगर कुछ कर सकते हो तो आचरण में उतार करके, और इसको किसी मंच पर ले जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है सर, एक ऐसे व्यक्ति के पास अपने आचरण से ले जाने की आवश्यकता है कि जो पढ़ा नहीं है, इसको किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। विष्णु भगवान को कहाँ आते हैं, कभी नहीं आते हैं सामने कि हम ही विष्णु हैं, हम ही सृष्टि का निर्माण किए हैं, कभी नहीं आते हैं सर। और वो तो जो अपंग लोग हैं वही आते हैं कि नहीं साहब देखिए हम तो मठाधीश हैं, हम तो इतने बड़े महामंडलेश्वर हैं, ये हैं, तो उनको आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो सत्य के साथ में साझ्यता नहीं उनकी है। यहाँ पर सर अगर एक व्यक्ति और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, तो अगर करना हो तो सबसे बड़ी सेवा क्यों ना की जाए सर। तो चूंकि इन सूत्रों को हमने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है, और पिछले 4-5 साल में जो स्वाध्याय किया है, तो स्वाध्याय का मतलब कि एक सूत्र को लेकर के उस पर मनन चिंतन करके उसका प्रैक्टिकल किया और अक्षरशः वो चीजें सही मिली हैं, इसलिए बड़े प्राउड के साथ में हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि किताब जिसने लिखा है गुरुदेव ने लिखा है, गुरुदेव जाने, लेकिन इसमें जो सूत्र उन्होंने दिया है उसको हमने अपनाया है और हमको अक्षरशः सत्य मिला है, इसलिए हम इसको सत्य मानते हैं। गुरुदेव ने कहा इसलिए सत्य नहीं मानते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा था कि बेटा हमारा विचार है, हमने किया है, तुम भी करके देखो। हमारी तरह से हजारों लोग मिले हैं कि जिन्होंने इसको अपनाया है, और वो भी वही अनुभव बताते हैं कि भाई हमको भी सब कुछ मिल गया कि भीतर से अथाह शांति और अथाह आनंद, और बाहर से इतना विकास हो रहा है कि हमने कभी कल्पना नहीं किया था। और सब हम बदलेंगे, युग बदलेगा वाली बात है। बस बस सर, तो उसी स्टेज पर इसको ले जाना है, और किसी से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं रह गई है सर। अगर हम संतुष्ट है तो परमात्मा संतुष्ट है। चलो ठीक, बहुत अच्छा। राइट सर, राइट सर। भाई सिंह साहब, सर साहब का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक पूर्णता तक नहीं पहुंचेंगे। आपके इतने गहन अध्ययन को नमन, पर मैं ये कहता हूँ कि इतना गहन अध्ययन करते करते कि हम ईश्वरीय प्रेम से, जो प्रेमा भक्ति से समर्पण कहते हैं, उससे तो नहीं हट जाएंगे। सर उसी पर पहुंचने के लिए तो सारा प्रयास चल रहा है, उस पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो कठिन है सर। ठीक है जी, भक्ति आ नहीं पाती है सर, भक्ति कहना जितना आसान है उतना कठिन है समर्पण। कबीर जब कहा करते थे कि पोथी पटपट जग मुआ, पंडित भया ज्ञानी भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो ज्ञानी हो, तो पंडित ना कहीं हम बन जाए, ज्ञानी भी तो बन को प्रेमा भक्ति भी सर तो, सर ज्ञान चाहिए, ज्ञान की अगर एक किरण भी आ जाएगी तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा, प्रेम अंदर से प्रकट होगा सर। प्रेम का मतलब है त्याग की पराकाष्ठा ही प्रेम है। जब अपना सब कुछ अस्तित्व समाप्त हो जाए, जब खाली वही वो रह जाए, तभी तो प्रेम होगा सर। बड़ा जबरदस्त सामाजिक चिंतन भी आपने रखा है, आध्यात्मिक चिंतन भी रखा है, और फील्ड में तो आप आगे हैं ही हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य प्रदान करे। धन्यवाद। नेव साहब का आशीर्वाद अभी नहीं मिल रहा है सर, अब तो आज आशीर्वाद ग्रहण करने की मुद्रा में है। हमने तो जो सुनना शुरू किया था, मैं देखे इतनी सामयिक चीजें हमारे जो वर्तमान में हम लोग वाकई जो फेस कर रहे हैं, और एक एक प्रश्न का उत्तर आपने कहा कि मिलेगा, अब तो हमें लगता है आपके हर एपिसोड को एकदम ही कान लगा के सुनना पड़ेगा। हर एक प्रश्न जो जीवन में उठता है, मतलब हमने जब अष्टावक्र से शुरू किया, पहला अध्याय से शुरू किया, सर, लगा कि यही सवाल तो मेरा है, फिर दूसरा शुरू में ये भी मेरे मन में उठता है, तीसरा ये भी उठता है, चौथा ये भी उठता है, तो आपने कहा लगेगी क्लासेस। अब आपको अरविंद शर्मा से कहूंगा लगातार क्लासेस लगाएं। आज के युग के, हमने एक सेंटेंस कहा था कि आज के युग के अर्जुन हम ही सब हैं सर। बिल्कुल, मैंने सुन रहा हूँ सर, आपका एक एक शब्द सुन रहा हूँ। और शुरू में आपने ये कहा था कि आज की तिथि में हम लोग सब लोग बड़े बड़े परेशान है, आदमी आदमी से डर रहा है, परछाई से डर रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि अगर सबसे बड़ा युद्ध हुआ है तो महाभारत का, जहाँ बड़ी मारकाट मची,
और आज इससे पहले कहीं ज्यादा मारकाट होती थी, लाखों लाखों काट दिए जाते, तब भी आदमी आदमी से डरता था, अभी बैठा बैठा डर रहा था। ये तो युगों युगों से चला आता आ रहा, जब तक हम इन चीजों को अपनाएंगे नहीं, मतलब एक वृहद स्तर पे इसको नहीं अपनाया जाएगा, जो आपने कहा कि हम जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक ये आदमी का आदमी से डरना खत्म नहीं होगा। सब एक दूसरे से, हम खुद को तो ठीक कर सकते हैं, पड़ोसी को नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे हम ठीक रहें तो वो भी हमको देख के ठीक हो जाए, उनको भी अच्छा लगे। सर अब हम इंतजार करेंगे आज पे हर अगले एपिसोड के, वो सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। नैप साहब कह रहे हैं रोज होना चाहिए, रोज को हम इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इतना नशा है कि एक हफ्ते तक चलेगा ये पूरा नशा। चलिए सर, देव ऋषि जी और कालरा साहब और नैब साहब जैसा कि है, आप खुद ही देखिए, आपने तो खुद ही जो भ्रांतियां अपने आप निवारण कर दिया कि रोज डाइजेस्ट आप रोज नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे बाकी जो हमारे रिंग मास्टर हैं अरविंद शर्मा जी, उनके पास है सारा रिमोट, वो कब कैसे किसको कहां कब पेश कर देंगे वो कोई देखें। चलिए आज का बहुत बहुत अच्छा संबोधन रहा, और मैं नैब साहब से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द आभार व्यक्त करें। श्री नैब साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एससी सिंह साहब, मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप किस तरीके से अपने जो कार्यालय के समय को काट कर या उसको किस तरीके से पूरा करके अपने 24 घंटों को कैसे मैनेज करते हैं। समय को कोई मैनेज नहीं कर सका, ये आप स्वयं को कैसे मैनेज करते हैं कि आप कार्यालय के कार्य को भी कर लेते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, उसको जीवन में उतारते भी हैं और दूसरों को उतारने के लिए प्रेरित भी करते हैं, और इतना अध्ययन है आपका कि आप मतलब जिन चीजों के हम सही में बता रहे हैं, हम लोग जिनके नाम नहीं सुने थे, उन सब उपनिषद के बारे में आपको पता है। और ये आपने अभी अभी बताया 4-5 साल का, तो मैं काउंट कर रहा था, अभी मैं 61 का हुआ हूँ, अगर मैं इतनी कोशिश करूँ जितनी आपने की है तो हो सकता है 65-66 तक मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा जहाँ आप आज है, मैं वो भी प्रयत्न करूंगा सर, स्वाध्याय कितना हो पाएगा ईश्वर जानता है। ये आपका अध्ययन हम लोग के लिए वरदान है, गुरुदेव ने पुस्तक लिखी उसके बारे में बताया, वो पुस्तक का तो वाकई में हम लोग को सबको अपने अपने घर में रखनी चाहिए ताकि इन सबका एक सार हमको मिल जाए, उसका इंस्पिरेशन मिल जाए, और आपसे सुनेंगे वो सारे एपिसोड हम लोग को कलेक्ट करने पड़ेंगे। और आपके ज्ञान के लिए सर बस अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर बहुत 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 धन्यवाद। आज सभी आज के एपिसोड में जो सभी उपस्थित रहे, सभी का बहुत बहुत आभार, और जैसा कि परिपाटी है उसी के हिसाब से आज का विचार, दुनिया में सबसे बड़ा अपराध अपनी संभावनाओं का विकास ना करना है। आप जब भी कुछ कार्य करते हैं उसे बेहतर तरीके से करते हैं तो न केवल आप अपने लिए सहायता करते हैं बल्कि उसके द्वारा आप पूरी दुनिया की सहायता करते हैं। धन्यवाद। और अब तीन बार ओम का कि आज आज के विचार की जगह आज का गाना होना चाहिए था तो रह गया। चलिए सर, ओम शांति। ओम शांति। तीन बार ओम का शांति शांति शांति। माता जी वो बिटिया से कहिए इसे बंद कर दे, मीटिंग समाप्त। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।